सीबीडी सेक्टर 11 में मरीन सर्विसेज नाम का ऑफिस श्वेता जोशी और दीपक जोशी ये पति पत्नी चला रहे थे। बेरोजगारों को विदेश में जहाज पर नौकरी दिलवाने का आकर्षक एडवर्टाइजमेंट इंटरनेट पर किया गया था। ये एडवर्टाइजमेंट देखकर कई बेरोजगार लोगों ने यहाँ पर अर्जी दाखिल की। इनसे वीजा पासपोर्ट वगैरह के नाम पर और रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर 60,000 से 3,00,000 रुपए तक की वसूली की गई। फिर भी नौकरी न मिलने पर इनके खिलाफ विलास पारकर इस बेरोजगार युवा ने सीबीडी पुलिस थाने में केस दर्ज कराया। इस केस पर पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी महिला को खारघर से उसके घर से गिरफ्तार किया। जहाजावरती काम मिळून देतो असं सांगून तरुणांची फसवणूक करणाऱ्या एका दाम्पत्याविरुद्ध सीबीडी पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा नोंद आहे आणि यातल्या लेडीला आम्ही आता अटक केलेली आहे। या प्रकारे अनेक तरुणांची फसवणूक ह्या दाम्पत्याने केल्याचं उघडकीस आलेलं आहे। इस तरह के कई उदाहरण न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर्स और इस तरह के प्रसिद्ध माध्यम पर देख बेरोजगार विदेशों में नौकरी पाने की चाहत में बलि चढ़ जाते हैं। इसीलिए और भी कोई इन दोनों के जाल में फंसा है तो सीबीडी पुलिस थाने में संपर्क करने का आवाहन उपायुक्त शाहजी उमप ने किया। सीबीडी पुलिस स्टेशन मध्ये दोन गुन्ह्यांची नोंद आहे, ज्याच्यामध्ये एक जो प्रमुख गुन्हा आहे त्यामध्ये 5 लोकांची फसवणूक झालेली आहे आणि 19,25,000 रुपयांना ह्या दाम्पत्याने नमूद 5 इसमांना फसवलेला आहे। यातली जी महिला आरोपी आहे हिला आता आम्ही अटक केलेली आहे आणि लवकरच हिचा जो नवरा आहे त्याला देखील आम्ही नमूद गुन्ह्यामध्ये अटक करत आहोत। या गुन्ह्यांची व्याप्ती पाहिल्यानंतर कदाचित असं निष्पन्न होतं आहे की आणखी सुद्धा तरुणांची याच्यामध्ये फसवणूक झालेली असू शकेल। व्हिडिओ जर्नलिस्ट मूसा के साथ शेखर हंप्रेस की रिपोर्ट।